वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों, मध्य प्रदेश करंट अफेयर मैराथन का यह हमारा फोर्थ वीडियो है। इससे पहले मैं तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। पिछले प्रत्येक वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यहां पर सिर्फ हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि हमारा एमपी का मैक्सिमम पोर्शन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर हम देख रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहां मैंने आईएमपी 50 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। तो आने वाले हमारे 6 से 7 वीडियो में सारा मध्य प्रदेश 2020 का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों हम फटाफट देख लेते हैं यहाँ पर 10 मिनट में सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये नाम याद रखिएगा आप, संजना थम्मा उज्जैन से। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया था? तो यह है छपाक फिल्म। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी मध्य प्रदेश में राशन उपभोक्ता की सुविधा के लिए कब से लागू की गई है? तो यह आप डेट याद रखिएगा, जनवरी 2020 से। नेक्स्ट है, किसानों को अधिसूचित मंडियों में प्याज बेचने पर समर्थन मूल्य कितने रुपये प्रति क्विंटल के अंतर की राशि का भुगतान जो मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना है उसके अंतर्गत दिया जाता है? तो यहाँ पर 800 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नगर पालिका खरगोन में 1 से 10 लाख जनसंख्या वाली कैटेगरी में देश में कौन सा स्थान मिला है, यानी मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है जो खरगोन नगर पालिका है? तो इन्हें तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में पहली FIR होम डिलीवरी शुरू की गई है? तो ये की गई है सिवनी में, है ना। तो ये डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है टॉप पेरेंट्स ऐप, है ना। तो कोरोना में किसी की भी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर ऑनलाइन ये जो ऐप्स है, तो ये ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में उड़ान योजना के तहत इंदौर से कहाँ के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दी गई है? तो ये दी गई है किशनगढ़। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश करंट अफेयर में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो। एमपी पुलिस चाहे एमपीपीएससी चाहे जेल पे रहे, किसी के भी आप क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो, तो मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश में देश का पहला एक्सीलेंस सेंटर किस शहर में शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ग्वालियर में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में कितने नए जिले बनाने की मंजूरी दी गई है? तो ये 3 नए जिले बनाने की यहाँ पर मंजूरी दी गई। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में 52 ही जिले हैं हमारे यहाँ अभी। नेक्स्ट है, तो दोस्तों आप मुझे ये बताओगे कि अभी जो हमारा 52वां जिला बना है, तो वो कौन सा बना है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य में धनुष तोप का परीक्षण किया गया है, यहाँ किस राज्य में बनाई गई है? तो यह आप ये भी याद रखोगे कि उड़ीसा राज्य में इसका परीक्षण किया गया है। तो ये बनाई कहाँ गई है? हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, पिंक टॉयलेट का निर्माण राज्य के कौन से शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पर? इंदौर में। नेक्स्ट है, राज्य के कितने लोगों को स्माइल एम्बेसडर अवार्ड दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 5 लोगों को। नेक्स्ट है, राज्य में किस योजना का नाम बदलकर टांट्या भील योजना कर दिया गया है? तो ये जो डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना है, तो इसका नाम बदलकर अब टांट्या भील योजना कर दिया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पेमा फाल्या का निधन हुआ है ना, ये बहुत चर्चा में रहे थे उस टाइम न्यूज़पेपर में, तो आप ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। पेमा फाल्या का निधन हुआ, वे राज्य के किस जिले की रहने वाली थी? वे थी झाबुआ की रहने वाली। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रदेश की, क्योंकि हमने जैसे कि यहाँ पेमा फाल्या के बारे में इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि जो फेमस पर्सनालिटी होती है उसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, आप पुराने ओल्ड पेपर उठाकर देख सकते हो। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 16वां प्रश्न है, प्रदेश की पहली फुल बॉडी सैनिटाइज मशीन कहाँ पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई कहाँ पर? भोपाल में यहाँ पर बनाई गई। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य द्वारा कब मराठी भाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ये 27 फरवरी को की गई है। तो अब मध्य प्रदेश में प्रत्येक 27 फरवरी को, यानी प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को यहाँ पर मराठी भाषा दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, आयुषी दीक्षित मध्य प्रदेश के किस शहर से है जिन्होंने अभी हाल ही में ताज इंटरनेशनल फेस्टिवल में प्रस्तुति दी है? तो ये आप याद रखिएगा, इंदौर की थी, है ना। नेक्स्ट है, राज्य के किस शहर में गौ कुंभ का आयोजन किया जाएगा, है ना। तो गौ कुंभ का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जबलपुर में। नेक्स्ट है, प्रदेश में कहाँ पर आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था डिंडोरी में। नेक्स्ट है, राज्य के किस शहर में रानी कमलावती की प्रतिमा का अनावरण किया गया है?
तो ये किया गया है भोपाल में। देखिए दोस्तों 50 प्रश्न इसलिए भी लिए हमने क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर इतना कोई नहीं देखता है ना, तो शॉर्ट में हमने क्योंकि फैक्ट वाइज है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है और आपको बताना है तो आप तुरंत याद करते भी जाइए इन्हें। नेक्स्ट दोस्तों बीटिया उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है ग्वालियर में। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का कोरोना से बचाव के लिए पहला बॉडी सैनिटाइजर मशीन की सिस्टम कहाँ शुरू किया गया, तो ये हम अभी पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं तो इसका भोपाल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टेक होम राशन और रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार के अंतर्गत कब तक कितने हितग्राहियों को पोषण आहार वितरित किया जाएगा, तो ये आप थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो याद रखिएगा 60 लाख है ना। नेक्स्ट देखिए ये आला आपसे पूछा जा सकता है ना, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, आईआईटी फार्मूला कोरोना से लड़ाई के लिए किस राज्य ने शुरू किया गया है और इसका पूरा नाम क्या है, तो ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया गया था और इसका जो पूरा नाम है आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन टेस्टिंग ट्रीटमेंट, तो आप इसका नाम याद रखोगे। नेक्स्ट है राज्य में किस विभाग द्वारा नागरिकों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की हिदायत दी गई है, तो ये आयुष विभाग द्वारा। नेक्स्ट है अप्रैल में प्रदेश सरकार द्वारा कोविड 19 का कितनी प्रयोगशाला में एक साथ परीक्षण किया गया था, तो ये किया गया था 9 प्रयोगशाला में है ना, आप याद रखिएगा। भोपाल में राशन की होम डिलीवरी के लिए स्थानीय दुकानदारों द्वारा पहुंचाया जाएगा है ना, तो जो राशन होगा वो स्थानीय दुकानदारों द्वारा पहुँचाया जाएगा, तो किस नगर निगम ने पोर्टल लॉन्च किया है ना, तो जो नगर निगम है वहाँ का भोपाल नगर निगम है तो उन्होंने कौन सा पोर्टल बनाया है, तो ये आप याद रखिएगा www.kiranapass.com। नेक्स्ट है दोस्तों राज्य में किस नगर निगम ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु तो बायो मेडिकल वेस्ट कलेक्शन के लिए विशेष वाहन चलाए हैं, तो ये चलाए हैं ग्वालियर नगर निगम ने। नेक्स्ट है राज्य के 15 लाख किसानों को फसल बीमा के तहत कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो ये 2,990 करोड़ रुपए, तो ये राशि आप याद रखोगे। नेक्स्ट है कोरोना के समय किस मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की गई है, तो ये हमारे शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है कोरोना संकट के समय मुख्यमंत्री द्वारा महुआ संग्राहकों से कितने रुपए किलो सरकार महुआ खरीदेगी, तो ये आप याद रखिएगा 35 रुपए प्रति किलो है ना, तो ये इसलिए क्योंकि आप सभी को पता होगा कोरोना आया तो है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम जितने भी उद्योग है तो सभी को भारी झटका यहाँ पर लगा है, तो इसलिए सरकार ने थोड़ी सी यहाँ पर जो महुआ संग्राहक है तो इनको थोड़ी सी यहाँ पर राहत दी है। नेक्स्ट है प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना के तहत सेवा में लगे अन्य कर्मियों को कितने रुपए की सुरक्षा कवच यहाँ पर दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा 50 लाख का। किस सरकार ने वैज्ञानिक पद्धति साइक्लो तकनीक से गेहूं भंडारण की बेहतर व्यवस्था कर देश में अग्रणी राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, आपको सभी को पता होगा पंजाब राज्य को पीछे पछाड़कर मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है गेहूं भंडारण में है ना, तो गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान पर है और अभी तक 7 बार इसमें कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। नेक्स्ट है राज्य में मनरेगा यानी महात्मा गांधी नरेगा योजना जो कि 2005 से स्टार्ट की गई है ना, के माध्यम से कितने मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है ना, तो ये अभी बहुत सारे लोगों का रोजगार यहाँ पर छूट गया है, तो ये हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा आईएमपी हो जाता है ना, तो 4,50,000 से अधिक मजदूरों को, सोच सकते हो आप कितनी बड़ी जनसंख्या को यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट है राज्य में शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर घर मास्क बनाएगी तथा लाभ कमाएगी, इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो इसके लिए की गई है जीवन शक्ति योजना। नेक्स्ट है दोस्तों प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान किस जिले में सखी यानी वन स्टॉप सेंटर की मदद से जो नाबालिग कस्तूरी है तो उसके लिए सकुशल अपने घर पहुंची है ना, तो नाबालिग कस्तूरी सकुशल अपने घर कौन पहुंची है, तो वो पहुंची है छतरपुर से एक नाबालिग कस्तूरी थी तो वो अपने घर यहाँ पर पहुंची है। नेक्स्ट है दोस्तों राज्य में डॉक्टर सामान्य बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की समस्या के समुचित इलाज के लिए कौन सी पहल की गई है, तो ये पहल का नाम आप याद रखेंगे संजीवनी टेली हेल्थ सेवा। नेक्स्ट है राज्य में लॉकडाउन के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किस ऑनलाइन डिजिटल ई लर्निंग प्रोग्राम की पहल की गई है, तो ये 2 पोर्टल यहाँ पर हैं, तो रेडियो स्कूल और डिजिलैब। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जारी सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृहों की सूची में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी अमरकंटक ताप विद्युत गृह देश भर में कौन सा स्थान है ना, तो ये दूसरा स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है, तो अमरकंटक ताप विद्युत ने देश भर में दूसरा स्थान यहाँ पर प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों राज्यपाल श्री लालजी टंडन द्वारा अप्रैल में कितने मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ यहाँ पर दिलाई गई थी, तो ये 5 मंत्रियों को यहाँ पर दिलाई गई थी। नेक्स्ट है जुलाई में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अजय मित्तल द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल को शपथ किसने
दिलाई गई है, तो ये आनंदीबेन पटेल द्वारा है ना। तो आप आपको पता होगा यूपी और एमपी की अभी दोनों के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है ना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना के तहत किसी कर्मचारी के साथ अनहोनी होने पर कितनी सहायता राशि यहाँ पर दी जाएगी, तो यहाँ दी जाएगी 50 लाख रुपये। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के विरुद्ध IIT फ्रेमवर्क आधारित नवीन रणनीति बनाई है, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम हम पहले भी देख चुके हैं है ना, अभी जो पिछला क्वेश्चन गया उसमें, तो आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन टेस्टिंग ट्रीटमेंट, तो ये आप फुल फॉर्म याद रखोगे। नेक्स्ट है भोपाल एवं इंदौर में नॉन कोविड मरीजों के लिए कौन सी टेली हेल्थ सर्विस लॉन्च करने का निर्णय लिया गया, तो ये है संजीवनी। नेक्स्ट है राज्य शासन द्वारा किसे आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर पदस्थ किया गया है, तो श्री निकिंज कुमार श्रीवास्तव, तो यह नाम आप याद रखोगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद पर किसका चयन किया गया है, तो यह रामेश्वर शर्मा है ना। तो अभी वर्तमान में अभी विधानसभा के चुनाव जो उपचुनाव है वो यहाँ पर होने वाले हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों राज्य द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है, तो ये इंतजार आपका है ना पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है प्रदेश के किस अनाज को GI टैग दिलाने का अनुरोध किया जा रहा है ना, तो बासमती चावल को, तो बासमती चावल को यहाँ पर GI टैग दिलाने का यहाँ पर अनुरोध किया जा रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा अभी हाल ही में किसे मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ यहाँ पर दिलाई गई, तो ये आप नाम याद रखोगे सूर्य प्रताप सिंह परिहार। तो दोस्तों हमारा प्रयास आपको कैसा लगा तो आप बता सकते हो, हमने 2020 के जितने भी करंट अफेयर जहाँ से भी हमें मिल रहे हैं तो सारा हम यहाँ पर कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे जैसे आने वाली सूचनाओं के लिए अगर आपको जुड़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो @exam_time2020, ठीक है, ये सर लिखोगे तो हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हो कि कैसा हमारा प्रयास है, और आपके पूरे 2020 के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, मध्य प्रदेश करंट अफेयर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप ये जितनी भी 6 से 7 PDF यहाँ पर लोगे तो ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी, आप मात्र 1 घंटे में पूरी पढ़ के अलग कर दोगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम फिर और 50 क्वेश्चन यहाँ पर मध्य प्रदेश करंट अफेयर के वेरी मोस्ट IMP यहाँ पर लेकर आएंगे।